पूर्व सीएम मायावती ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। उन्होंने बोला है कि भगवान राम की स्टैचू ले सकती है तो हमारी क्यों नहीं ले सकती है, तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, अब वह नेता है, क्या कह देगी क्या बोल देगी उन लोगों के कोई ठिकाना तो है नहीं। लेकिन भगवान राम के स्टैचू और अपना स्टैचू के एक साथ जुड़ती है तो महामूर्खता के बात, जिसको दिमागी दिवालिया जिसको कहते हैं, पागलपन कहते हैं। इस प्रकार के भाषा के या इस प्रकार के लेखनी के प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब रहा कि मूर्ति लगा, मायावती की मूर्ति, हाथी की मूर्ति या कोई भी मूर्ति, आज उतना पैसा लगा करके पार्क बनाना तो हमारा समझ में आता है कि चलो खुला जमीन सरकार की जमीन है, सरकार को अधिग्रहण किया, खुला लिया है, रखा है। लेकिन जितना पैसा वो पार्क और ये में लगाई, ओके, आधा पैसा भी आधा पार्क में लगा देती, आधा स्टैचू को और जितना खर्चा किया है, उतना पैसा गरीब के बच्चों को पढ़ाने पर खर्चा करता उत्तर प्रदेश के, तो सभी बच्चे आज शिक्षित हो जाते। आज 10-15 वर्ष से अपने शिक्षित होने पर तैयारी होती। यह देश के जितने लोग नेतागिरी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान या नाना प्रकार के भाषा बोल करके जात पात भेदभाव, यह अशिक्षा के कारण ही है। शिक्षा सबसे बड़ा जरूरी था, वह कांग्रेस 1947 में देश आज़ाद हुआ तभी इसको शिक्षा पर अधिक बल देना चाहिए था। गरीब को शिक्षा और पानी और का नाम है स्वास्थ्य, इस पर ध्यान में, मतलब हवा शुद्ध रहे, शिक्षा और जल और हवा, ये तीन चीज मनुष्य के सबसे बड़ा जरूरी है और तीनों चीज पर अभाव भया, इसलिए ये लोगों के कार्यक्रम देश हित में नहीं। ये जो मायावती कह रहे हैं कि हमको स्टैचू लगा दिए और हाथी के फोटो लगा दिए, ये लगा दिए वो लगा दिए, इससे काम नहीं चलेगा। ये राष्ट्रीय संपत्ति को बहुत सोच विचार के खर्चा करना चाहिए। राम से तुलना कर रही है, राम से तुलना करना तो महामूर्खता। इस पर चर्चा नहीं कर, मनुष्य मनुष्य है, राम राम है, राम को एक इष्ट देव को या तुम अच्छे दुनिया में सबसे जितने भी आज तक से जितने नेता भाई भारतवर्ष में कभी अपना स्टैचू अपने ही नहीं बनवाए, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात रहा कि मायावती ने अपना स्टैचू अपने बनवा करके अपने सरकारी पैसा से अपना स्टैचू बनाई, ये बहुत गलत काम किया।